तो पब्लिक, अब से 3-4 महीने पहले मैंने ये वाला लैपटॉप लिया था जो कि है आसूस का टफ F15 सीरीज। तो उस टाइम पे मैंने इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग, स्पेसिफिकेशन और कम बजट का रिव्यू दिया था। आपको ध्यान है कि नहीं है? है। ध्यान है कि नहीं है? है। अरे ध्यान है कि नहीं है? अरे भैया है, आगे बताओ। भाई कर रहे ना, बुरा क्यों मान रहे, होता है कभी कभी। तो उस टाइम पर काफी ज्यादा लोगों के क्वेश्चंस थे कि कैसा रहा ये लैपटॉप और क्या है इसकी परफॉर्मेंस। तो आज इस वाले लैपटॉप की मैं आपको रिव्यू दूंगा, और क्योंकि मैं कोई हाई लेवल टेक रिव्यूअर हूं नहीं, जो बात है क्लियर, तो बहुत ज्यादा साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन वाला सीन नहीं रहेगा। बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि 3-4 महीने यूज करने के बाद में कैसा रहा इस लैपटॉप पे मेरा वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस। क्योंकि बेसिकली मैंने ये लैपटॉप लिया है फॉर वीडियो एडिटिंग, गेमिंग वगैरह मुझको आती नहीं है, लेकिन मैंने इसमें गेम डाउनलोड करा चेक करने के लिए कि कैसा गेम चलता है, अपने दोस्त लोगों को खिलाया, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो क्वेश्चंस थे लोगों के, एक एक करके हम उसमें उठाएंगे, मतलब सब नहीं उठा लेंगे, मतलब जो बेसिक से क्वेश्चन है उसको उठा करके इस बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन की बात आज के वीडियो में नहीं करेंगे, स्पेसिफिकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ कहीं कहीं ना कहीं होगा, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। बात करेंगे इसके रिव्यू की, और मुझको आसूस की तरफ से पैसा मिला नहीं है, तो जो प्रोज एंड कॉन्स है वो सब आपको बताया जाएगा एकदम सही तरीके से। तो सबसे पहले करते हैं लैपटॉप को स्टार्ट, दबा दिया गया है बटन। तो शटडाउन करने के बाद स्टार्ट करने में 10 सेकंड तक का टाइम लगाता है लैपटॉप स्टार्ट होने के लिए। और कुछ लोगों का क्वेश्चन रहा है कि जब हम इसमें बैटरी लगाते हैं, आई मीन चार्जर को कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे इसके स्क्रीन ऑन एंड ऑफ होती है। तो हाँ, ऐसा होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप आपका खराब नहीं है। जैसा कि अभी यहाँ पर चार्जिंग लगी हुई है, निकाल रहे हैं, तो ये ऑफ होगा, ऑफ हो गया। और अब जब हम दोबारा इसमें चार्जर को कनेक्ट करेंगे तो फिर से ये होगा ऑफ, हो गया, घबराने की बात नहीं, ऑन दोबारा हो जाएगा। और पॉइंट नंबर टू क्या है भाई हमारे? रैम। तो पॉइंट नंबर टू है हमारा रैम का। रैम इसमें 8 GB ऑलरेडी है, हमको स्लॉट दिया गया है, हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, अनदर 8 GB या 16 GB इसमें लगा सकते हैं। तो जब मैंने लैपटॉप लिया था उसी टाइम मैंने बोला था कि मैं अगले हफ्ते या एक महीने के अंदर इसमें रैम कराऊंगा अपग्रेड, क्योंकि मुझे इसमें यूज करना है प्रीमियर प्रो। तो यकीन मानिए, उस वीडियो के बाद में मैंने पूरी लद्दाख सीरीज बना दी, बीच में मैंने एक दो तरीके की वीडियो और बनाई, मुझको अभी तक रैम अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, जबकि मैं इसमें कलर ग्रेडिंग भी कर रहा हूँ, ड्रोन शॉट वगैरह भी एडिट करता हूँ। ड्रोन में हल्का फुल्का सा कभी कभी लैग करता है। अब अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट और रेंडरिंग की, तो एक 10 GB की वीडियो को एक्सपोर्ट करने में ये लेता है ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट, आधे घंटे का टाइम। तो अभी तक मैं काफी ज्यादा खुश हूँ इसमें वीडियो एडिटिंग की परफॉर्मेंस से। दूसरा पॉइंट क्या है भाई हमारे? बैटरी। बैटरी की बात करें तो ये गेमिंग लैपटॉप है, बैटरी इसमें आपको अच्छी नहीं मिलेगी। मतलब जब मैं वीडियो एडिटिंग इसमें करता हूँ तो 1 घंटे का 1.25 घंटे तक का मुझको बैटरी बैकअप देता है, लेकिन जब भी मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ इसमें बैटरी प्लग इन करके ही करता हूँ। अगर आप गेम भी खेलते हो तो आपको रिकमेंड होगा कि आप बैटरी प्लग इन करके गेम खोलो, मतलब परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती है। तो बैटरी बैकअप इसका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप इसमें हैवी यूसेज कर रहे हो तो 1 घंटा 1.25 घंटे तक का मिल जाएगा। नॉर्मल यूसेज अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको मिल जाएगा 2 घंटा 2.5 घंटे तक का। गेमिंग भी इसमें ठीक ठाक चलती है, और अगर कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि वो कोडिंग और बेसिक यूज के लिए लेना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। मतलब इतना ज्यादा हैवी जब यूसेज में काम कर जा रहा है तो कोडिंग वोडिंग तो इसमें पीस ऑफ केक है। पॉइंट नंबर 3, वर्किंग ऑन प्रीमियम प्रो। प्रीमियर प्रो पे अभी तक यकीन मानिए मुझको कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं हुई है प्रीमियर प्रो पे काम करने में। इनफैक्ट काफी ज्यादा फास्ट काम करता है और काफी ज्यादा स्मूथ है, मतलब किसी तरीके का कोई लैग वगैरह नहीं होता। बीच बीच में हल्का फुल्का सा आता है, उतना तो आएगा। अभी मैंने रैम अपग्रेड नहीं कराया है, अगर मैं रैम अपग्रेड करा लूंगा तो मुझको और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन यकीन मानिए अभी तक मुझको जरूरत नहीं है रैम अपग्रेड कराने के लिए। तो प्रीमियर प्रो पे काफी ज्यादा अच्छा काम करता है, मतलब अगर आप बेसिक लेवल पे काम करते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलेगा परफॉर्मेंस। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, ड्यूरेबिलिटी एंड क्वालिटी। तो बात करें अगर ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी की, तो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, काफी ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी है लैपटॉप की। मतलब मैं जिस टाइम पे लद्दाख गया था तो मेरे साथ में मैं इसको लेकर के गया था, अपने बैकपैक में कैरी कर रहा था, तो मेरे साथ ये लैपटॉप जो है लद्दाख घुमा है भाई। अब मैं साथ आपको क्या ही बताऊं ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी की, मतलब इसको मिलिट्री ग्रेड में कंसिडर करते हैं। मेरे पास जो ये मॉडल है ये है प्लास्टिक बिल्ड, काफी अच्छी क्वालिटी में, मतलब इसमें मेटल बिल्ड भी आता है, ये प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही। हाँ थोड़ा भारी जरूर है लेकिन इतना चलेगा भाई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच इज गुड, राइजन और इंटेल? वेरी गुड क्वेश्चन। तो काफी ज्यादा लोगों का पूछना है कि क्या मैं लूं राइजन वर्जन लूं या इंटेल वर्जन लूं। तो मैं आपको बता देता हूं, मतलब किसी में भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहो तो इंटेल भी ले सकते हो, राइजन भी ले सकते हो। मैं क्यों इंटेल पे गया, जैसे कि मैंने बताया मैं हाई लेवल टेक रिव्यूअर नहीं हूं, मुझको काफी ज्यादा मेरे दोस्तों ने हेल्प करी इस लैपटॉप को लेने में।
क्योंकि Adobe Premiere Pro जो है वो जो बेसिकली अपने आपको कॉन्फ़िगर करता है वो इंटेल के हिसाब से करता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इंटेल पे ही जाता हूँ। Ryzen बेसिकली गेमिंग के लिए होता है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप Ryzen भी ले सकते हो, इंटेल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप गेमिंग पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो आप लोग Ryzen की तरफ जा सकते हो। जो बात है क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज हीटिंग इशू, गर्मी। हाय गर्मी, ये तो हो गया। तो हीटिंग इशू की बात करें तो हाँ, थोड़ा बहुत लैपटॉप हीट करता है जब इसमें बहुत ज्यादा हैवी परफॉर्मेंस हम यूज करते हैं। मतलब जिस टाइम पे मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो मुझको कोई दिक्कत नहीं आती, किसी तरीके की हीटिंग इशू नहीं होता है मुझको जब मैं वीडियो एडिट कर रहा होता हूँ। लेकिन जब मैं वीडियो लगाता हूँ एक्सपोर्ट पे तो मुझको लगता है कि पंखा चालू हो गया है। तो अगर जाड़े का टाइम में तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपको ये लैपटॉप, क्योंकि गर्म हवा फेंकता है ये गेमिंग के टाइम पे, तो हीटिंग इशू थोड़ा बहुत मिलेगा अगर आप इसमें बहुत ज्यादा हैवी यूसेज कर रहे हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कस्टमाइज sRGB लाइट्स। कस्टमाइज sRGB लाइट, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें sRGB लाइट को कैसे कस्टमाइज करते हैं, तो थोड़ा सा करीब आना पड़ेगा आपको। तो कीबोर्ड लाइट को कस्टमाइज करने के लिए आपको सर्च पे आने के बाद में टफ ऑरा कोर को खोलना है। अगर डाउनलोड नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट से। और यहाँ पे आने के बाद आपको काफी ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, स्टैटिक हो गया, स्ट्रोबिंग हो गया, डिक्चिक डिक्चिक हो रहा है, कलर साइकिल लगा देते हैं। और यहीं से आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। सिंपल, हमको इसको अप्लाई कर देना है और काम बन जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, भैया क्या क्या मिला लैपटॉप के साथ में? तो लैपटॉप के साथ में भाई बहुत ही फकीरी का आलम चला है। हमको लैपटॉप के साथ में मिला, लैपटॉप तो पहले मिला ही, डब्बा मिला, उसके साथ में लैपटॉप मिला और चार्जर मिला। मतलब वो जो स्टिकर टैटू वगैरह होते हैं थोड़े बहुत आसूस के, वो भी हमको नहीं मिले। ऑफलाइन मार्केट में मिलेंगे, ऑनलाइन मार्केट में नहीं मिले। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप रैम अपग्रेड कर सकते हो, वैसे ही आप चाहो तो इसमें एक्स्ट्रा SSD भी लगा सकते हो, मेरे वाले में 512 GB। आप चाहो तो इसमें हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो। तो कुछ स्लॉट्स के लिए वो तार वार नहीं होते हैं स्टील के, सिर्फ वो मिला भैया साथ में, और कुछ नहीं मिला। मतलब चाहते थे हम बहुत कुछ मिले, लेकिन वक्त खराब चल रहा है इस टाइम पे। तो अगर अब बात करें कैमरा की, इसमें तो कैमरा बहुत ही ज्यादा भयानक शक्ल है, तौबा। तो मतलब इसमें कैमरा जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, 720p रेजोल्यूशन है उसका। मतलब अगर आप लोग जूम मीटिंग में जा रहे हो इतने से उसमें तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसी में वीडियो बना लो कैमरा छोड़ने के बाद में, तो ऐसा नहीं करना है। मतलब कैमरा ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने में मिला भाई? ये तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन तुमने पूछ लिया। तो महंगाई के जमाने में ये लैपटॉप मुझको मिला है 59,000 रुपीज का, मतलब उस टाइम पे। लेकिन अभी क्योंकि बहुत ही अच्छी डील वगैरह चल रही है, बीच में तो पब्लिक को 53,000 रुपए विच इज 53,000 का भी मिला। अभी मैंने शायद आज या कल में चेक किया था तो शायद 56,000-57,000 का था। मतलब जो मेरा ये लैपटॉप है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, एक और वेरिएंट का मैं लिंक नीचे दे दूंगा। मतलब दो वेरिएंट है, एक है 1 TB का, एक है SSD 512 GB का, तो आप उसको चेक कर सकते हो। उस टाइम पे फेस्टिवल का टाइम चल रहा है भाई, काफी ज्यादा सस्ता मिल जाएगा, आप उनको मिला बहुत ज्यादा महंगा। तो ये सब तो भाई बात हो गई लैपटॉप की, अब मैं बात करता हूँ इसके कमियों के बारे में। तो इस लैपटॉप में हाँ sRGB कम है। अब sRGB क्या होता है? मतलब जब हम कलर ग्रेडिंग करते हैं तो जो ट्रू कलर जो हमें इसमें दिखाई देते हैं और जो हम अपने टीवी या डेस्कटॉप पे दूसरे डेस्कटॉप पे चलाते हैं उसमें कुछ फर्क पड़ता है। मतलब इसमें sRGB है कम, विच इज 62%, और Adobe RGB है इसमें अप्रोक्सीमेटली 47.1% आई गेस। लेकिन अभी तक मुझे कोई इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं हुई है जिस हिसाब से मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। मतलब मैं पीटर मैकेनन, सैम कोल्टर टाइप हूँ ही, हाई लेवल जो भी बेसिक वाला है वो सब इसमें चल रहा है। और मतलब अगर आप 59-60,000 में बेसिक एक लैपटॉप लेते हो, तो मैंने बिगिनर यूज के लिए लिया था, उसके हिसाब से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ इसमें। और हाँ, इसमें बैटरी बैकअप थोड़ा कम है, हीटिंग इशू थोड़ा बहुत हाँ होता है, लेकिन उतना सब कुछ चल रहा है भाई। मतलब अब इतने में इतना ही आपको मिलेगा, महंगाई का जमाना है, पेट्रोल के दाम आप देख ही रहे हो, काफी टाइम से ट्रिप हो नहीं रहा है, तो उसके हिसाब से मतलब जो है जैसा है चल रहा है। अब बात करें अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की इसमें, तो उसके लिए हमको खेलना पड़ेगा इसमें कोई ना कोई गेम, तो गेम लगाते हैं। तो भाई लोग, जो मैंने गेम डाउनलोड करा है वो मैंने डाउनलोड करा है NFS हीट, मतलब काफी ज्यादा भयानक गेम इसको बोला गया। मतलब इसका ग्राफिक वैराफिक अच्छा है, तो खेलना नहीं आता है मुझको, खाली ट्राई करने के लिए इधर उधर गाड़ी जो है भिड़ा दूंगा मैं, कोई गाली नहीं बटेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, मतलब गेम काफी ज्यादा स्मूथली चल रहा है। अभी मेरा दोस्त अवेलेबल नहीं है, वरना मैं उसको बुला करके आपको सही से रिव्यू कराता हूँ। गेमर अरे हो गया भाई, बहुत ज्यादा देर से कान इसने सूद दिए रख करके। तो मतलब गेम वेम इसमें एकदम ठीक ठाक चल रहा है। मेरा एक दोस्त है जो कि एक कम बजट का गेमर, कल मैंने उसको बुलाया था, उसने गेम वेम खेला, तो उसने बोला भाई इस बजट में बहुत ही ज्यादा अच्छा गेम चल रहा है, NFS हीट, GTA 5 वगैरह ठीक ठाक चल जाता है इसमें। मतलब 60,000 रुपए के बजट में आप चाहो तो यहाँ लैपटॉप ले सकते हो, मतलब गेमिंग के लिए, खासतौर से वीडियो एडिटिंग के लिए। वीडियो एडिटिंग मैं इसमें कर चुका हूँ 3-4 महीने, तो आई कैन वाउच फॉर दैट, आप ये लैपटॉप ले सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा लैपटॉप है। और बाकी वीडियो करता हूँ मैं यहीं पे क्लोज, और जल्दी ही कहीं पे ट्रिप का प्लान बनेगा। पेट्रोल का दाम चल रहा है बहुत ज्यादा महंगा, और जैसे कि आप देख सकते हो मतलब गुल्ला खरीद के पैसे वैसे जमा किए जा रहे हैं। तो जल्दी करते हैं ट्रैवल का प्लान और वीडियो करते हैं यहीं पे कट। भाई वीडियो कट कर दो प्लीज, कट।